good morning students how are you all i hope you all are doing well so today in english we are going to do use of is am are so let's start first we will do the use of is is ka matlab kya hota hai इसका मतलब होता है है क्या होता है इसका मतलब है जैसे कि मेरा नाम सुमन है माई नेम सुमन माए मतलब मेरा नेम मतलब नाम इज मतलब है और सुमन इज माई नेम सो माई नेम इज सुमन मतलब मेरा नाम सुमन है सो so, इसका मतलब वॉट इज द मीनिंग ऑफ इज है और जो इज है वो इन इन सारे शब्दों के साथ हम लोग यूज करते हैं जैसे कि ही शी इट दिस दैट और जो भी नेम्स होते हैं जैसे कि ही इज अ बॉय शी इज अ गर्ल इट इज अ डॉग दिस इज अ बैट दैट इज अ ट्री और नेम्स के साथ कैसे जैसे कि जैसे राम इज वेरी हैंडसम राम बहुत ज्यादा हैंडसम है और सीता इज वेरी इंटेलिजेंट सीता इज मतलब है वेरी मतलब बहुत इंटेलिजेंट मतलब इंटेलिजेंट मतलब बहुत ही ज्यादा होशियार तो सीता बहुत ज्यादा होशियार है समझे तो चलिए कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं सो दिस इज अ डक दिस इज अ डक यह एक बतख है दिस इज यह इज मतलब है अ मतलब एक डक बतक यह एक बतक है सो so, दिस के साथ क्या आया इज राम इज किकिंग फुटबॉल राम इज किकिंग फुटबॉल यहां पर नेम के साथ आया है है ना राम क्या कर रहा है पिक्चर में व्हाट इज राम डूइंग राम इज किकिंग फुटबॉल राम फुटबॉल को किक कर रहा है राम ने फुटबॉल को लात मारी है ना है ना अभी सो राम इज किकिंग फुटबॉल राम इज मतलब है किकिंग मतलब लात मारना फुटबॉल को है ना राम ने क्या किया है राम ने फुटबॉल को किक मारा है नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज सीता इज सिटिंग ऑन द बेट सीता क्या कर रही है वॉट इज सीता डूइंग इन द पिक्चर शी इज सिटिंग ऑन द बेट नाउ सीता इज अ नेम अब नेम के साथ क्या आया है इज is है सिटिंग बैठी है ऑन ऊपर द बेट बेट पर सीता कहाँ बैठी है सीता बैठी है बेट के ऊपर सीता बेट के ऊपर बैठी है सो सीता इज सिटिंग ऑन द बेट रूही इज वेरी ब्यूटिफुल रूही नाउ अगेन रूही इज अ नेम सो रूही इज नेम के साथ क्या आता है इज वेरी बहुत ब्यूटिफुल सुंदर रूही बहुत सुंदर है रूही इज वेरी ब्यूटिफुल नाउ एम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एम एम का मतलब होता है हूं क्या होता है हूं और एम के साथ वी ऑलवेज यूज एम विद आई लाइक आई एम अ गुड आई एम अ गुड मैं एक लड़की हूं तो हूं इंग्लिश में क्या होता है एम आई एम अ बॉय मैं एक लड़का हूं एंड

सो आई एम लिकिंग आइसक्रीम अगेन एम इज कमिंग विथ आई मैं आइसक्रीम को लिख कर रहा हूं आई एम सिटिंग नियर द विंडो आई एम सिटिंग आई मैम हू सिटिंग बैठी हूं नियर द विंडो विंडो के पास मैं विंडो के पास बैठी हूँ आई एम सिटिंग

नहीं सो आई एम अ गर्ल मैं एक लड़की हूं तुम एक लड़की हूं नहीं मैं एक लड़की हूं इसलिए आई एम ऑलवेज कम्स विद आई आई एम shorter देन माई ब्रदर मैं अपने भाई से छोटी हूं आई एम shorter देन माई ब्रदर नाउ द नेक्स्ट वन इज आर वट इज द मीनिंग ऑफ आर आर का मतलब होता है, है। जब टू या टू से ज्यादा लोग होते हैं तो हम क्या यूज करते हैं आर मतलब है एंड आर ऑलवेज कम्स विथ वी यू

फाइटिंग लड़ रहे सो so, वे लड़ रहे हैं इस कहाँ यूज होता है फॉर वन पर्सन एंड आर फॉर मोर देन वन पर्सन ओके सो देर आर टू बॉयज इन द पिक्चर एंड दे आर फाइटिंग देर आर हाउ मेनी बॉयज टू बॉयज दैट्स वाई वी आर यूजिंग आर दे आर फाइटिंग वे आर मतलब है फाइटिंग लड़ रहे दे आर फाइटिंग वे लड़ रहे हैं नेक्स्ट वन इज यू आर माई बेस्ट फ्रेंड तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो आर ऑल्सो कम्स विथ यू ओके आर यू के साथ भी आता है एंड वट इज द मीनिंग ऑफ यू तुम तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई नाउ एज यू कैन सी इन द पिक्चर देर आर फोर बर्ड्स इट मीन्स दे आर मोर देन वन सो दर इज कमिंग बर्ड्स आर फ्लाइंग इन द स्काई बर्ड्स चिड़िया आर है फ्लाइंग उड़ रही इन द स्काई में, में उड़ रही है अगर बर्ड होता तो क्या आता

More than मोर देन वन स्टूडेंट सो व्हाट विलकम वट विलकम आर वी हम आर है meaning of shouting? मतलब शोर करना चिल्लाना इन द क्लास क्लास में हम क्लास में शोर कर रहे there नाउ देर आर मोर देन वन स्टूडेंट इन द क्लास सो आर come. हम क्लास में शोर कर रहे हैं वी आर शाउटिंग इन द क्लास नाउ देर आर सम सम्स विच यू हैव टू डू इन योर नोटबुक यूज ऑफ इज एम आर फर्स्ट वन इज दे डैश डांसिंग इन द पार्क दे का मतलब वे और वे क्या एक पर्सन के लिए आता है या मोर देन वन पर्सन obviously more than one person so they dash dancing in the park we park me dance very good so what will come are they are dancing in the park second I dash doing my work this is very easy I have told you so many times that आई एम ऑलवेज कम्स विथ आई सो आई एम डूइंग माई वर्क मैं अपना काम कर रहा हूं थर्ड ही डैश हेल्पिंग हिज मदर ही डैश हेल्पिंग हिज मदर वो अपनी ममा की हेल्प कर रहा कर रहा है तो है का क्या होगा इज ही इज हेल्पिंग हिज मदर Now, fourth, you dash very intelligent. I have told you that you kisat aata hai? Are very good students. You guys are very intelligent. You are very intelligent. Fifth, I dash watering the plants. I, what comes with I? Am. I am watering the plants. Sixth, she dash looking very beautiful बहुत सुंदर लग रही है क्या आएगा है एक ही है सो शी इज लुकिंग वेरी ब्यूटिफुल नाउ यू विल डू ऑल दीज फिलअप्स इन योर नोटबुक ओके एंड योर हैंड राइटिंग शुड बी वेरी गुड सो स्टे एट योर होम एंड स्टे सेफ थैंक यू स्टूडेंट्स